हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ माई सर। स्टूडेंट, आज हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स सीखेंगे आज। तो आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको एंगल पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, यानी आप कौन को आसानी से पहचान सकते हैं। तो मैंने कुछ कौनस बनाए हुए हैं, क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एंगल्स होते हैं, यानी कौन होते हैं। तो ये पहला कौन है, तो जो एंगल 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक होता है, यानी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम का जो एंगल होता है उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो इस एंगल को जब आप मेजर करेंगे, नापेंगे, तो इसका वैल्यू लगभग 70 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 70 डिग्री। तो ये 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 से कम है, इसीलिए इसको हम लोग हिंदी में न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे एक्यूट एंगल। इंग्लिश में क्या लिख देंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है या न्यून कोण क्या होता है? तो जिस कोण यानी जिस एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। अब आगे में देखते हैं, अगला जो एंगल मैंने बनाया है वो है 90 डिग्री का। तो जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, जो एंगल एग्जैक्टली कितना का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल, जिसे हिंदी में हम लोग लिखेंगे समकोण। हिंदी में क्या लिख देंगे? समकोण, ठीक है। तो जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा वो राइट एंगल कहलाएगा, यानी समकोण कहलाता है। अब थर्ड एंगल को देखते हैं। थर्ड एंगल में ये जो मैंने एंगल बनाया है इसका वैल्यू अगर लिखा जाए तो हम मैं लिख देता हूं ये 120 डिग्री का है, ठीक है। तो जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो यानी मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, कि जो भी एंगल का वैल्यू 90 से ज्यादा और 180 से कम हो उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, यानी अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे हम लोग लिखेंगे हिंदी में अधिक कोण, उसे कहेंगे अधिक कोण, ठीक है। तो जो एंगल का वैल्यू 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, यानी अधिक कोण कहेंगे। अगला एंगल देख लेते हैं। अगला एंगल सीधा लाइनिंग खींचा हुआ है। ये जो एंगल जो बनाया है ये 180 का है। कितना का है? 180 का। तो जो एंगल एग्जैक्टली 180 का हो, जैसे यहां 90 का था, तो जो एंगल एग्जैक्टली 90 का हो वो राइट एंगल कहलाता है, और जो एंगल एग्जैक्टली 180 का ही हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे
रिजोकोन। हिंदी में क्या कहेंगे उसे? रिजोकोन। ठीक है, अगला एंगल देखते हैं। अगला एंगल इधर से देखा जाएगा, ठीक है, और ये एंगल का वैल्यू जो है मैंने 220 डिग्री का बनाया है, 220 डिग्री का। तो जिस एंगल का वैल्यू 180 से ज्यादा हो और 360 से कम, 180 से ज्यादा और 360 से कम, फिर से क्लियर कर लें, जिस एंगल का वैल्यू 180 से ज्यादा हो और 360 से कम, इसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हिंदी में लिखते हैं हम लोग प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। अगला एंगल मैंने देखा, आप लोग देख लें कि ये जो एंगल बना हुआ है वो जहां से आया है वही तरफ बन रहा है, यानी पूरा कंप्लीट बन रहा है। ये कंप्लीट एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का होता है, कितना होता है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का जो एंगल होता है इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल, जिसे हिंदी में कहेंगे संपूर्ण कोण। क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां एंगल 6 तरह के हैं, 6 टाइप्स। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, जिसका वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम होगा, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 70 हो, 75 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 0 से बस ज्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। और राइट एंगल का एग्जैक्टली 90 डिग्री ही होना चाहिए, ना उससे एक भी कम ना एक ज्यादा, 90 डिग्री का जो एग्जैक्टली रहेगा उससे हम लोग राइट एंगल कहेंगे, यानी समकोण कहेंगे। और जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 से कम, यानी उस दोनों के बीच का होगा, वही अधिकोण कहलाएगा, यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। और जो एंगल एग्जैक्टली 180 का होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जिसे हिंदी में कहेंगे रिजोकोण। और वो एंगल जो 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, यानी प्रतिवर्ती कोण। और लास्ट जो 360 डिग्री का कोण होता है उसे हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं, ये एग्जैक्टली 360 का होता है और इसमें राउंड होता है, पूरा गोल हो जाएगा, इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। और हिंदी में इसे कहते हैं संपूर्ण एंगल। स्टूडेंट, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में भी आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।